जी स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस है? पहले तो हम देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो निशानी है, जिससे हमें पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है बिलोंग टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और फिगरे के आखिर पे जब उर्दू का फिगरा लिखते हैं तो उसके एंड पे चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह आता है। ठीक हो गया, जब फिगरे के एंड पे चुका है, चुकी है, चुके हैं आ जाता है तो इसका मतलब यह है कि दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, पहली है वो मैच खेल चुके हैं, एंड पे क्या आया? चुके हैं। वो अपना सबक याद कर चुके हैं, एंड पे चुके हैं फिर आ गया। उसके बाद आपका थर्ड वो देखेंगे, वो खत लिख चुकी है, खत लिख चुकी है। इसका मतलब ये जो सेंटेंस है, जो भी तीनों लिखे हुए हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं। अब मरहला आता है कि इनको हमने बनाना कैसे है, उर्दू में हमने ट्रांसलेट कैसे करना है, इसकी फॉर्म कौन सी आएगी और इसके बनाने का तरीकाकार क्या है। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं ना, दो तरह के इस्तेमाल होते हैं, हैज़ या हैव। ये दो तरह के सेंटेंस इस्तेमाल होते हैं, हैज़ या हैव। अब फर्दर सवाल ये पैदा होता है कि अगर हैज़ और हैव इस्तेमाल होते हैं, इट मीन के सब्जेक्ट को डिफरेंट होंगे, कुछ होंगे जिनके साथ हैज़ इस्तेमाल हो रहा है और कुछ ऐसे सब्जेक्ट होंगे जिनके साथ हैव इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया। अभी आप देखें कि आई, आई के साथ क्या इस्तेमाल होता है, आई के साथ क्या इस्तेमाल होता है, अच्छा जी हैव आ गया। दे, वी, यू, इन सब के साथ क्या इस्तेमाल होगा? अभी जो बाकी हमारे जो थर्ड पर्सन हमारे बचते हैं, जिसमें ही, शी, या फर्ज करें नेम है, इनके साथ क्या इस्तेमाल होगा? हैज। और याद रखने वाली बात है कि इनके जो हेल्पिंग वर्ब है वो तो दो इस्तेमाल होते हैं, लेकिन वर्ब ऑलवेज थर्ड इस्तेमाल होगी। क्लियर हो गया कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है ये हैज़ या हैव इस्तेमाल होगा, लेकिन जो हम फॉर्म इस्तेमाल करेंगे वर्ब की, वो हमेशा तीसरी ही होगी, चाहे वो हैज़ आए, चाहे वो हैव आए, चाहे आई आए सब्जेक्ट, चाहे ही आए, तो इसकी जो वर्ब वर्ब होगा उसकी तीसरी फॉर्म ही हम इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलें अब हम इसका ट्रांसलेट करते हैं। ये जो वो मैच खेल चुके हैं, रेज योर हैंड्स, वो मैच खेल चुके हैं उस्मान, दे हैव प्लेड मैच जी। अब्दुलरहमान, दे हैज प्लेड मैच। मुहिम, अच्छा एक मिनट है मैं लिख लूँ जरा, दे हैज कहा आप लोगों ने, हैज़ और हैव दोनों इस्तेमाल हो रहे हैं, दे हैव प्लेड मैच। ये एक बच्चे ने कहा कि हैव आएगा, दो ने कहा हैज, दो ने कहा हैव आएगा और एक ने कहा हैज आएगा। मुस्तफा बताएगा, हैव आएगा, क्यों हैव आएगा? सर दे, इट नहीं, आई बी यू दे के साथ हैव यूज़ द ही शी इट नेम के साथ हैज जी। अब्दुलरहमान बेटा, ये जो अभी मैंने लिखा था कि कुछ के साथ हैज आएगा और कुछ के साथ हैव आएगा, और जो हैज वाले वो थे वो सिंगल थे, ही शी इट नेम, और बाकी जितने भी है आई वी यू, इनके साथ क्या लगेगा? हैव लगेगा। तो यहाँ पे हम दे लगा रहे हैं, तो दे के साथ क्या लगेगा? क्योंकि ये वाला जो हमारा सब्जेक्ट है ये प्लूरल है, जमा है, तो इसके साथ हैव लगेगा। सही है, वो अपना सबक याद कर चुके हैं, वो अपना सबक याद कर चुके हैं। हाँ सर, मत दे हैव जी ऑन, समझा रही है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। हाँ जी अपना बेटा, दे हैव
अच्छा ये एक डिफरेंट व्यू होगा। इरा बेटा दे हैव लर्नड देयर लेसन। हाँ जी यसनैन उस्मान कोई डिफरेंट नहीं है। हाँ जी हम हसन अजीम यही है। किसी का कोई इख्तलाफ तो नहीं है इससे? शाबाश बैठ जाए बेटा। यहाँ पे वो वर्ब के साथ तीसरी फॉर्म तो हम ये आईएनजी की फॉर्म तो हमने लगानी नहीं है। इसमें वर्ब की हमेशा ही तीसरी फॉर्म लगानी है। और बाकी आप लोगों ने देख लेना कि ये नाउन पर नाउन वो चेंज होते हैं अकॉर्डिंगली। एक दफ़ा देख लें दे हैव हम पहले भी लगा चुके हैं दे हैव जी। ये देखें अभी नहीं अभी नेक्स्ट नहीं अभी इसी को थोड़ा क्लियर हमने करना है कि ये हैव लगा दे था हैव लगा लेकिन ये देर क्यों लगा है? अभी करो रेज हैंड से देर क्या क्यों लगा है वकार? हाँ जी बेटा यहाँ पे हमने वो नहीं लिखा ना वो अपना मैच खेल चुके हैं। अगर यहाँ होता ना वो अपना मैच खेल चुके हैं कि फिर हमने पुट करना था देयर चूंकि इधर वो अपने का जिक्र ही नहीं है वो मैच खेल चुके हैं दे हैव प्लेड द मैच। और ये वाला है जिस तरह ये है वो अपना सबक याद कर चुके हैं यहाँ पे अपना है तो इसको हमने वो ट्रांसलेट करना है। और यहाँ पे चूंकि हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है और दे है दे का जो प्रोनाउन है वो देयर है। अगर यहाँ पे आई होता तो यहाँ पे क्या आ रहा था माई आना था। शाबाश ये जो प्रोनाउन की चेंजेस हैं ये हर सेंटेंस में होती हैं और वो हर प्रोनाउन अपने सब्जेक्ट के मुताबिक आता है। शाबाश वेरी गुड वकार बैठ जाओ। वो खत लिख चुकी है अब्दुल्ला शी हैज रिटन अ लेटर। हाँ जी समर ऑन हाँ जी रहा शी हैज रिटन लेटर। अच्छा रिटन लेटर और रिटन आ लेटर ये दो व्यूज फिर आ गए। शाहिद बताएगा शाहिद ही हैज वेरी गुड शाहिद तूबा ही हैज अच्छा शी हैज कन्फ्यूज हो गई। चलो कोई बात नहीं शाबाश कोशिश तो की है ना अजीम शाबाश ठीक है बेटा वेरी गुड शी हैज अब कोशिश हर बच्चों को करनी चाहिए। गलती जब तक नहीं करोगे तो सीखोगे नहीं आप लोग। जब बच्चा क्लास में शाही होकर बैठता है चुप करके बैठ जाता है कि मुझसे पूछा ना जाए मुझसे गलती ना हो जाए। भाई आप इसीलिए आए हो कि आपको आता नहीं है। आप गलतियां करेंगे मैं आप लोगों को बताऊंगा देन आप लर्न करेंगे। तो अगर आप अपनी गलतियां लेकर बैठे रहेंगे पता ही नहीं चलेगा कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता तो मैं कुछ नहीं कर सकूँगा टीचर कुछ भी नहीं कर सकता जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करते। आप देखो शायद जो अभी 5-6 क्लास का स्टूडेंट है दूसरा तीसरा दिन है इसको क्लास में आते हुए ये भी कुछ ना कुछ बोलने लग गया। तूबा ने भी कुछ ना कुछ बताया तो ये पार्टिसिपेट करना जरूरी होता है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कोई गलत कह देता और ने 2-3 फिक्र सारे गलत कहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ा लेकिन ये पता चल जाता है बंदे को कि ये हमने फॉर्मेशन कैसे करनी है। और जो बच्चे रेगुलर क्लासेस लेते हैं उनकी गलतियाँ नहीं होती गलतियाँ उन्हीं की होती हैं जो दरमियान में मिस कर जाते हैं क्लास। वो जब सीक्वेंस ब्रेक हो जाता है तो फिर वो सीक्वेंस जुड़ता नहीं है और जब तक जुड़ता है 8 दिन गुजर चुके होते हैं। तो इसलिए क्लास से छुट्टी मत किया करें छुट्टी करेंगे तो आपका लेसन बहुत पीछे चला जाएगा। स्टूडेंट वही लर्न करता है प्रॉपरली जो कि डेली आता है डेली लेसन लेता है डेली डिस्कशन करके जाता है जो चीज़ नहीं आती वो पूछ के जाता है। क्लियर है आप लोगों को? शाबाश। अच्छा जी इस तरह हमने सेंटेंस आज बना लिए हैं तो इसके बाद हमने बनाने हैं नेगेटिव और इसमें नेगेटिव बनाना तो बहुत ही आसान है। अच्छा नेगेटिव बनाने का तरीका आज मुझे बताएंगे आप लोग आप वैसे तो आप लोगों को पता है जी हैज और हैव के बाद तो इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है बैठ जाओ शाबाश। अच्छा इसका अगर इंटरोगेटिव बनाना हो वो इससे भी आसान है जी मुस्कान सर, बनाने के बाद
और आखिर अरहम सर वो इंटरोगेटिव बनाने के लिए हैज हैव को सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं और बाकी सारी फिक्र के बाद में लिख देते हैं एंड को क्वेश्चन। हाँ तो इस तरीके से सवालिया निशान सवालिया फिक्रा बन जाता है। ये तो जिनके साथ हेल्पिंग वर्ब आता है ना तो वो तो बड़े इजी होते हैं। नॉट लगाना तो हेल्पिंग वर्ब के साथ बाद लगा दो। अगर इंटरोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आओ एंड पे सवालिया निशान पुट कर दो, आपका वो जो इंटरोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। समझा की बात की। अभी हमारा मरहला आता है इसको एक्टिव पैसिव में चेंज करना। पहले तो मुझे बताएगा जो भी बचा चुके आप लोग एक दफ़ा सीख चुके हो, जो रेज करेगा हैंड वो मुझे तरीका बताएगा, मैं नहीं बताऊंगा, वो मुझे बताएगा कि इसको एक्टिव पैसिव में कैसे कन्वर्ट कर। अब कर रेज है, अब रेज करो हैंड्स। अरे हम आप बताएं सर ऑब्जेक्ट को पहले ले जाएंगे? नहीं वो ऑब्जेक्ट तो आएगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल होगा जब हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव वाइज? हैज बीन और हैव बीन। जी कोई और गुलाम मुस्तफा? नहीं नहीं नहीं, पहले तरीका आपने बताना है। नो नो नो, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा वो बता दो। हैज बीन एंड हैव बीन लगेगा। सब समझा गई सबको? इस जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसमें हैज हैव तो पहले हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जस्ट बिन को आपने ऐड करना। बाकी तरीका अगर सेम है जैसे हम पहले एक्टिव पैसिव करते आ रहे हैं, पहले ऑब्जेक्ट आएगा फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा हैज़ बिन या हैव बिन, उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी जो कि ऑलवेज थर्ड है, फिर बाय आएगा और एंड पे जाके आप आपका जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्टिव केस में चला जाएगा। सब्जेक्टिव केस है शुरू में, एंड पे लगाएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में चला जाएगा। तो इस तरीके से हम पैसिव वाइज हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। अभी पहला जो सेंटेंस है हमने लिखा दे हैव प्लेड द मैच। जी रेज करो हैंड्स। मिसम दोबारा बोलो। प्लेड, अच्छा ठीक हो गया। हाँ जी आप अब्दुल्ला। मैच हैव बीन प्लेड बाय देम। दो व्यूज होगा। चलो जी समर। मैच हैव बीन। जी उस्मान। हैव बीन, एक मिनट बोलना नहीं किसी ने भी। हाँ अजीम। हाँ जी हसन। अब्दुलरहमान दोबारा बोलो। आप खड़े हो जाओ। अच्छा मिसन ने बताया हैज बिन, इधर से आया हैव बिन। वेरी गुड शाबाश। हाँ जी उस्मान। जब सिंगल, हमने पहले भी ये बात की कि ये जो सिंगल होगा ना एक होगा उसके साथ आपने हैज पुट करना है। हैज बिन तो मैच चूंकि सिंगल है कि मैचेस लिखा आपने। मिसम मिसम ने ठीक कहा था, मिसम ने ठीक कहा था। इधर से ये जो सिंगल बैठे हुए इन्होंने गलत किया। हाँ समर और ये अब्दुल्ला दोनों ने गलत कहा था। ये जब बेटा इधर ऑब्जेक्ट आपका सब सिंगल है ना, फिर इसको हमने भूल जाना है। पहले हमने सेंटेंस में हैव ही लगाया क्योंकि दे था, दे के साथ हमेशा हैव ही आता है। लेकिन जब हमने पैसिव वाइज में कन्वर्ट करना है तो आपका जो ऑब्जेक्ट है दैट विल बिकम सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट इज मैच, मैच इज सिंगुलर सो वी विल पुट हैज बिन। क्लियर है? Yes. तो फिक्रा क्या बनना था? मैच शाबाश वेरी गुड। दूसरा दे हैव लर्नड देयर लेसन, देन अगेन रेज योर हैंड्स। जी सफला। देयर लेसन हैज बीन लर्नड बाय देम। दोबारा बोलो। देयर लेसन हैज बीन लर्नड बाय देम। जी समर। देयर लेसन has been learned by them. अब्दुल्ला। Their lesson has been learned by them. जी उस्मान। Their lesson has been learned by them. फिर पलटी से उतरने लगा था हसन। Their lesson have been learned by them. दोबारा बोलो। Their lesson have learned by them. हसनैन। Their lesson has been learned by them. अभी दो व्यूज फिर आ गए। इरहा। Their lesson has been learned by them. नहीं आमना बताया, आमना को पता है। अच्छा यहाँ पे बच्चों ने कहा, ये हसन ने कहा अकेले ने, बाकी पूरी क्लास ने कहा हैज बिन। हसन ने कहा हैव बिन,
हसन कैसे है बिना है? सर दे, दे का परिणाम दे रहा है। नहीं नहीं नहीं, वो बेटा जब हम बना रहे थे ना उस वक्त था, जब हमने ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में उस वक्त उसका प्रोनाउन देयर था, लेकिन जब हमने पैसिव में कन्वर्ट करना है ना, यही तो असल बात है। तो ये हमने सब्जेक्ट, अपना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो है ना इसको सब्जेक्ट बनाना है, और ये है देयर लेसन। लेसन मीन सिंगल, एक लेसन देयर जरूर है लेकिन लेसन के साथ एस ई एस का इजाफा नहीं है। बैठ जाओ रहा बेटा, शाबाश। देयर लेसन, तो ये सिंगल है, लेसन हैज बिन आएगा। मैंने कहा ना कि इसको आपने भूल जाना है, जो शुरू में हैज हैव लिखा हुआ इसको आपने भूल जाना। आपका जो मौजूदा ऑब्जेक्ट है आपका सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट के मुताबिक हैज बिन या हैव बिन लगेगा। क्लियर हो गया जी सबको? क्लियर हो गया? yes. मिस में दोबारा बताओ खड़े हो गए। शाबाश, इसमें किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके गुड। शी हैज रिटन अ लेटर। मोहिम, अ लेटर। अच्छा जी, एक व्यू आ गया जनाब। इसके बाद जिसने, हाँ हैदर अली, दोबारा बोलो। Written by her. अच्छा जी, हाँ अब्दुल्ला तू था। कोई और व्यू तो नहीं है किसी का? No. शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, अ लेटर हैज बीन रिटन बाय हर। शाबाश, वेरी गुड। कुछ और फिक्र हम लिखते हैं जी, एक मिनट जरा, चलो इधर से। वो खाना खा चुकी है जी, करो रेज हैंड्स। इसकी पहले तो ट्रांसलेट बताएं, उसके बाद पैसिव में करेंगे हम जी। ऑन, आप पहले भी वर्ब के साथ आईएनजी लगा चुके हो बेटा, इसमें मैंने बताया था। ठीक है, ठीक कह रहे हो, दोबारा बोलो। दोबारा फिर बोलो। हाँ, कॉन्फिडेंस से बताते होते हैं, गलत भी बताओ तो कॉन्फिडेंस से बताओ, सही हो जाएगा, कोई मसला नहीं। अब्दुल रहमान सही करेगा इसको। शी हैज, अच्छा जी, गुलाम मुस्तफा, शी हैज ईटन द फूड। क्या नाम है? उस्मान। यार आपका रिटन और ईटन कोई, अरहम, शी हैज, चलें मान लेते हैं सारे यही कह रहे हैं। बेटा ये एक्टिव के फिक्रे हैं और इसमें शी हैज ईटन फूड, हरे के साथ दा नहीं लगा देते, दा भी लगाने का रूल है, उस रूल के मुताबिक ही हम दा लगाते हैं। इसको अब हमने कहना है शी हैज ईटन फूड, इसको हमने पैसिव में कन्वर्ट करना है जी। हसन, फूड हैज ईटन बाय हर। दोबारा बोलो। शॉर्ट टर्म मेमोरी है यार, अभी हम कर रहे हैं और अभी आप फिर भूल गए। नो नो, मिसम बताएगा। हाँ जी, आमना बेटा, हाँ जी समझ आ गई है? yes, फूड, फूड फूड हैज बिन जी। ये फिक्रा लिखा, हु हैज रिटन अ स्टोरी, ये पहले फिक्रा बताएं, ये कौन सा फिक्रा है? बोलना नहीं, बोलना नहीं। हाँ जी मिसम, डबल इंटरोगेटिव है, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसको हमने आप पैसे में कन्वर्ट करना है। तरीकाकार आप लोगों को बताया हुआ है। हाँ जी उस सकलैन, माय होम हैज अ स्टोरी बीन रिटन क्वेश्चन मार्क। दोबारा बोलो। माय होम हैज अ स्टोरी बीन रिटन क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। चलें जी, अब्दुल रहमान ठीक करेगा। My home has a story being written question mark.
हाँ जी समर बाय होम हैज बीन नो 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 हाँ जी अजीम बाय होम हैज अ स्टोरी बीन रिटन क्वेश्चन मार्क आमना बेटा समझ आ गई बात की yes. एक दफा मुहिम बताएगा बैठ जो भी सब शाबाश अच्छा एक मिनट मैं जरा लिख लूँ फिर क्लैरिफाई करना आपने मुहिम आपने क्लैरिफाई करना कि ये ठीक कैसे है बाई होम ये बाई होम क्यों लगाया हमने हु की जगह क्या लगाया हमने जब भी डबल इंटरोगेटिव में हु आता है तो इसको पैसिव वाइज में तो इसको बाई होम में चेंज करते हैं किसी भी कंडीशन में हु इस्तेमाल होता है दैट विल बी कन्वर्टेड इन टू बाई होम आया आगे क्या लगाते हैं हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं पक्की बात है हैज क्यों आया मुझे ये बता दो हाँ हैज क्यों लगा है बोलना नहीं किसी ने हाँ जी तू तो ऑब्जेक्ट हमारा बन रहा है आ स्टोरी चूंकि वाहिद है इसी वजह से हमने हैज लगाना क्या लगाना है बेटा ये जो पढ़ते हैं तो उसको पता होना चाहिए कि बन कैसे रहा है तरीकाकारी तो सीखना हमने बाय होम अच्छा हैज आ गया चले ठीक हो गया बैठ जाओ आप उस्मान बताएगा खड़े हो जाओ हैज के बाद रिटर्न कैसे लग गया अच्छा शाबाश वेरी गुड क्या लिखेंगे आप अब थोड़ा सा आगे आ जाओ आपको नजर नहीं असल में आ रहा आप थोड़ा सा आगे आ जाओ हाँ आप बताओ हाँ ये क्या लफ्ज है होम बाई होम ये आप साइलेंट समझे डब्ल्यू एच ओ एम होम बाई होम हैज आगे क्या लगेगा आ स्टोरी लगेगा स्टोरी क्यों आ स्टोरी क्यों लगेगा वो पहले ऑब्जेक्ट था लेकिन इधर आके हमारा सब्जेक्ट बनेगा लिहाजा आ स्टोरी लगेगा ठीक हो गया शाबाश खड़े रहो इधर आ स्टोरी आगे क्या लगेगा आगे क्या लगेगा रिटर्न लगेगा हाँ जी हसनैन बिन लगेगा ना यार ये देखो ना हैज बिन है हमारा हैज बिन है तो हैज को हमने पहले लिखा दरमियान में सब्जेक्ट लिखा उसके सब्जेक्ट के फॉरवर्ड बाद हमने जो दूसरा हिस्सा था वो भी लिखना बिन बिन आगे जी मुहिम बताएगा क्या लिखेंगे एंड पे रिटर्न क्वेश्चन मार्क ये रिटर्न आया और ये क्वेश्चन मार्क हमने पुट कर दिया और ये वाला हमारा पैसे वाइज में फिगर ट्रांसलेट हो गया बैठ जाओ शाबाश कन्फ्यूज नहीं होते उस्मान कन्फ्यूज नहीं मेरा बेटा होते हैं क्लियर होकर जवाब देते हैं रिलैक्स होकर बैठते हैं और डरने की जरूरत नहीं होती जब क्लास में बैठते हैं तो अच्छे तरीके से समझते हैं नहीं आता तो पूछ लेते हैं जो आपके जहन में है वो बताते हैं ताकि आपकी गलती जो है वो सॉर्ट आउट हो और वो टीचर बताया कि बेटा आप यहाँ पर गलत हो सही है ना शाबाश वेरी गुड चले कोई और फिक्र लिखवाएं आपकी आपके मुताबिक करते हैं हम जी लिखवाएं वो तो कर लिया हमने मैच खेल चुके हैं एम से आए ये फिक्र नहीं बनेगा नहीं ये जो जिसमें गोवा है वो फिक्र नहीं होता पैसे में जी बकार बताओ उधर खड़े हो मैं आम खा चुका हूँ ठीक है ये आ जाता है इसमें नहीं आएगा भाई इसमें देखो सेंस देखो आप वो उधर हमने लिखा था चुका है चुकी है चुके हैं ठीक है लेकिन ये एक ऐसा काम जो मुकम्मल हमने कर लिया है चलें जी इसको ट्रांसलेट करो उधर जी उस्मान आई हैज
यहीं पे गलती आप करते हो जब भी आप, दोबारा बताओ क्या है? हसन, आई हैव ईटन मैंगो। बेटा अब हमने शुरू में लिखा था आई जो है वो भी उसके साथ के भी क्या लगेगा? Have लगेगा। आई हैव मैंगो। अगर मैं आम ज्यादा हूं तो मैंगोज, अगर सिंगल हो तो आप मैंगो, चलो मैंगो ले लो या मैंगोज ले लो। आई हैव ईटन मैंगो। जी गुलाम मुस्तफा, मैंगो हैज बीन ईटन बाय मी, कुछ नहीं बाय मी, कुछ नहीं क्वेश्चन मार्क। बस थोड़ा सा चेंज हो जाओ, हम वो इंटरोगेट वाले से निकल आए हैं। जी अब्दुल्ला, मैंगो हैज बीन ईटन बाय मी। अब्दुल रहमान, मैंगो हैज ईटन बीन बाय मी। No, मिक्स कर जाते हैं यार आप लोग। सैफुल्ला, मैंगो हैज बीन ईटन बाय मी। समर, मैंगो हैज बीन ईटन बाय मी। ठीक है शाबाश। मैंगो हैज बीन ईटन बाय। ये जो हैज और बिन के दरमियान सब्जेक्ट लगाते हैं ना अब्दुलरहमान, वो जब सवालिया फिक्रा होता है तो उसमें हम लगाते हैं सवालिया फिक्रा होती है। ये तो सिंपल फिक्रा था, पॉजिटिव फिक्रा, तो इसमें तो सवालिया का सिस्टम ही नहीं था। समझा की बात की बेटा? ये आज का हमारा लेसन था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने का तरीका, उर्दू में ट्रांसलेट कैसे करते हैं, और उसके बाद इसके इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाते हैं, और एक्टिव पैसिव कैसे बनाते हैं। समझा की साहब को? अच्छा बताओ क्या लिखें? वो ही खा चुके खाए। हाँ जी बताओ। नहीं ये किसी डेस्टिनेशन की तरफ नहीं जाते, लाहौर लाहौर मुझसे पहुंचा जाएगा, इस तरह करेंगे हम फिर ट्रांसलेट। हाँ हम पतंगड़ आ चुके, मैं चाय पी चुका हूँ। मैं चाय पी चुका हूँ। जी करें ट्रांसलेट इसको, रेज करो हैंड्स। ये आमना बेटा, आप तो समझ नहीं। हसन, आई रहा अब्दुलरहमान। जी आप अकेले हो भाई, ड्रंक। आई हैव टेकन टी, आई हैव टेकन टी, दाल लगने की जरूरत ही नहीं। दी मैंने पहले बताया ना, शाबाश गिरा बैठ जाओ बेटा। ये दी जो लगाते हैं ना उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ जगहों पे दी लगाते हैं और कुछ जगहों पे दी नहीं लगाते। ये आपको किसी दिन एक अलहदा लेक्चर होगा जिसमें आर्टिकल आपको बताएंगे कि दी ए और एन इनको कहाँ कहाँ यूज़ करना और कहाँ कहाँ यूज़ नहीं करना। ठीक हो गया, चलें शाबाश। ये हमारा जो सेंटेंस था, मैं चाय पी चुका हूँ, आई हैव टेकन टी। चलें इसको पैसे भी करेंगे, आई हैव जी आई हैव टेकन टी, इसका पैसे बनाए आप। समर, टी हैज बीन टेकन बाय मी, आप बताएगा। हाँ अब्दुल्ला, टी हैज बीन टेकन बाय मी। अहमद, टी हैज बीन टेकन बाय मी। सैफुल्ला, टी हैज बीन टेकन बाय मी। हैदर बताएगा। टी जी बेटा, ये होगा हमारा टी हैज बीन टेकन बाय मी। अब मुझे ये बताना है कि ये जो सेंटेंस हमारा ओरिजिनल था जिसको हमने कन्वर्ट करना था, ये वाला जो था उसमें हमने हैव लगाया और यहाँ हमने हैज लगाया, क्यों हैज और हैव लगा, जो भी बताएगा रीजन मुझे बताएगा। हसनैन चलो बताओ, सही बात है, टी
और आई के साथ हमेशा हैव लगता है। शाबाश, वेरी गुड। यही आज का हमारा लेक्चर था। तो ये सेंटेंस आपने बनाने भी हैं और काम भी करना है।